अध्याय 10। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैंने तुम्हें उपलोकों समेत भुवरलोक का वृतांत सुनाया, अब तुम स्वरलोक के बारे में सुनो। स्वरलोक भुवरलोक के ऊपर स्थित है, उसमें भी कई उपलोक हैं। स्वरलोक का विस्तार सूर्यमंडल से लेकर ध्रुव मंडल तक होता है। अब तुम सूर्य नारायण के संबंध में कुछ सुनो। सूर्य की गति तीन तरह की होती है, उसे शीघ्र, मध्य और सम कहते हैं। उनके नाम इस तरह हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत। सूर्य की इन गतियों से 6 ऋतुएं और 12 महीने प्रकट होते हैं। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला सूर्य का रथ केवल एक पहिए का है। उसका एक सिरा सुमेरु पर्वत के ऊपर रहता है और दूसरा मानसोत्तर के पर्वत के ऊपर। उनका रथ तेल पेरने के कोहलू के समान चारों ओर घूमता है। सूर्य के घोड़ों को छंद और सारथी को अरुण कहते हैं। उनके रथ के आगे आगे अंगूठे के बराबर आकार के 60,000 बालखिल्य ऋषि उच्च स्वर में वेद मंत्रों का पाठ करते रहते हैं और सूर्य के यश का वर्णन करते हैं। इसके अलावा सप्तऋषि और नाग भी सूर्य की सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। सप्तऋषि हर महीने बदल जाते हैं, मतलब एक मास में जो सप्तऋषि उनके साथ थे, दूसरे मास में उनके स्थान पर दूसरे सप्तऋषि आ जाते हैं और पहले वाले हट जाते हैं। सूर्य की रथ का विस्तार 9,000 योजन है, वो 1,00,000 योजन ऊंचा है। इस तरह सूर्य सारी सृष्टि को प्रकाश देता है और आनंद देता है। हे नारद, सूर्य ने ऐसा उच्च पद भगवान सदाशिव का तप करके पाया। यह कथा संक्षेप में इस तरह है। मेरे पुत्र मारीच के द्वारा कश्यप का जन्म हुआ। जब कश्यप ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया, तब दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ किया। उन 13 कन्याओं में से जिस कन्या का नाम अदिति था, उसने 12 पुत्रों को जन्म दिया। उन 12 पुत्रों में से एक सूर्य है। इस तरह सूर्य का जन्म कश्यप द्वारा अदिति से हुआ। हे नारद, सूर्य ने शिवजी का उग्र तप किया। उसके बाद शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। सूर्य ने भगवान सदाशिव के मनोहारी रूप को देखकर दंडवत प्रणाम किया, फिर प्रार्थना की, हे भगवान, आप घट घट व्यापी, अंतर्यामी, अप्रमेय, महिमा संपन्न, पुरातन पुरुष, दुखहारी, भक्त वत्सल और आदि अंत से हीन हैं। मेरा धन्य भाग्य है जो आपने शरीर धारण कर मुझे दर्शन दिए। हे नाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मेरी कामना यही है कि मैं हर समय आपकी सेवा करूं। इतना कहकर जब सूर्य चुप हो गए, तब शिवजी ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें बिना मांगे ही वर देते हुए कहा, हे सूर्य, तुम परम तेजस्वी और प्रकाशवान होकर सब जीवों के कर्मों में साक्षी रहोगे और अपने भक्तों को सब तरह का आनंद दोगे। तुम्हारी सेवा करने वालों के सारे रोग दूर हो जाएंगे। इस तरह सूर्य को वरदान देने के बाद भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। तब सूर्य प्रसन्न होकर अपने लोक में लौट आए। तभी से वे शिव जी का ध्यान रखते हुए संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित किए रहते हैं। जो लोग सूर्य का व्रत रखते हैं, सूर्य के निमित्त तप यज्ञ आदि करते हैं, वो सूर्य लोक में जाकर अत्यंत आनंद लेते हैं।